मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आपकी मैथ्स टीचर। डिटर्मिनेंट की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट कर रही हूं। आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनने का है और बहुत इजी और भी आई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आज के टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, कम से कम 5-7 ऑब्जेक्टिव तो मैं करवाऊंगी और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक में मैं कवर अप करूंगी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले एडजॉइंट को समझते हैं। होता क्या है एडजॉइंट? एडजॉइंट का फॉर्मूला है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4। अब अगर इसका एडजॉइंट पूछा जाए तो सबसे पहले, बाद में मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट सिखाती हूं। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी एक फॉर्मूले पर पूरा एडजॉइंट है। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो पहले कोफैक्टर्स तो निकाल लूं। 4 एलिमेंट है, मैं 4 कोफैक्टर निकालूंगी। A11, A12, A21, A22। सबसे पहले कोफैक्टर के लिए माइनर चाहिए, मैं पहले साइन डाल देती हूं। लास्ट क्लास आपने सीखा था कोफैक्टर इक्वल्स टू -1 की पावर i + j (-). मैंने माइनर एंड कोफैक्टर पर पूरा का पूरा एक लेक्चर लिया है क्योंकि बेसिक्स है ये। 1 + 1 इवन, 2 + 1 ऑड, ये ऑड और ये इवन। -1 की पावर ऑड लेने से माइनस, -1 की पावर इवन लेने से प्लस। अब मैं माइनर लिखूंगी। 1, 1 पहला रो पहला कॉलम 4, 1, 2 पहला रो दूसरा कॉलम, 2, 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब हमारा कोफैक्टर आ चुका है। अब मैं अरेंज कर देती हूं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर है 4, -3, -2 एंड 1। इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैं लूंगी ट्रांसपोज। रिवाइज करवा दूं आपको, ट्रांसपोज का मतलब पहले रो को लिखेंगे पहले कॉलम में, सेकेंड रो को लिखेंगे सेकेंड कॉलम में। हो गया, यही है एडजॉइंट। अभी तो मैं 1 या 2 मिनट टाइम देके निकाली, अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाने जा रही हूं। 1 सेकेंड में एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे उसके लिए मेथड बता रही हूं। आप पहले देख लीजिए, यह मेथड था, अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाने जा रही हूं। जैसे ही मैं लिखूंगी आपको याद आ जाएगा, आपने पहले कभी पढ़ रखा है, आपने पहले पढ़ रखा है कब और क्या, देखते हैं शॉर्टकट। अगर मैट्रिक्स ए है A, B, C एंड D, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू। क्या होगा एडजॉइंट? कॉन्सेप्ट कहता है इन दोनों को इंटरचेंज कर दो,
और इन दोनों को साइन चेंज कर दो। मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों को साइन चेंज कर दिया। ए और डी को इंटरचेंज करूंगी तो आएगा ए एंड डी इंटरचेंज, इन दोनों का मैंने साइन चेंज कर दिया। यही हमारा शॉर्टकट है। अभी तुरंत 2 मिनट के बाद सारी प्रॉपर्टीज सिखाने के बाद इस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। मुझे एक बात याद आ गया, जब मैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा रही थी तो ये साइन स्कीम सिखाई थी और मैं बताई थी कि इसे सिखाऊंगी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स तो लास्ट लेक्चर ही पढ़ा दी और मेरे दिमाग से निकल गया कि ये बताना है। अभी ध्यान आ गया इसलिए मैं अभी सिखाती हूं आपको। क्या सबसे पहले ये बता दूं कि यहां एलिमेंट होता था 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। को फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, -1 की पावर। मैं को फैक्टर का पढ़ाई थी, -1 की पावर i+j इनटू माइनर। तो अगर 1 1 है तो -1 की पावर 1+1 2, -1 की पावर 2+ 1+2 ऑड इसलिए माइनस, 1+3 -1 की पावर 4+ 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2+1 -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 -2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर 4+ 2 3 ऑड नेगेटिव 3 1 इवन पॉजिटिव। क्या पता चल चुका आपको साइन स्कीम, इसी कोफैक्टर का ये वाला इंडिकेट करता है कि क्या साइन स्कीम होगा। अब मैं बात करती हूं प्रॉपर्टीज की, समझाती हूं प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज मैं अभी कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, उसमें प्रॉपर्टीज को यूज करूंगी। हर बोर्ड और एनडीए इसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन एवरी ईयर करती ही करती है। समझते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा होता है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से उपयोग करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कर लें अगर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पार एन माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन से आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, मुझे लगता है अब तक 5-5 बार दोनों बोर्ड इसे पूछ चुकी है। अभी तुरंत नीचे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इन दोनों में डिटर्मिनेंट नहीं है इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। यहां डिटर्मिनेंट लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पार एन माइनस वन। अगर इसी में एक ए इंटू हो गया, एन माइनस वन था, एक ए इंटू हो गया तो पावर एन हो गया। ए के जगह एडजॉइंट अगर आ जाए तो एन माइनस टू हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चारों प्रॉपर्टी को मैं क्वेश्चन के हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है पहले एन क्या होता है वो देख लें।
यहां इन क्रॉस इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो इन क्रॉस इन है, यहां इन क्रॉस इन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन क्रॉस इन को मैं बोल सकती हूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं क्या कह रही हूं, क्वेश्चन क्या है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, इन क्रॉस इन के जगह 2x2 है, मतलब इन के जगह तो 2 है, इन क्रॉस इन के जगह ऑर्डर 2x2 है, इट मींस इन की वैल्यू 2 है। अब प्रॉपर्टी बताती हूं आपको, एडजॉइंट ऑफ ए होता है मॉड ए की पावर इन माइनस 1 और इन है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से सीखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और तुरंत मैं होमवर्क में भी इस प्रॉपर्टी पे अभी क्वेश्चन दूंगी। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको 5 मिनट पहले सिखाया था शॉर्टकट। अगर मैट्रिक्स ए कॉस माइनस साइन, साइन और कॉस है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं आपको सिखाई थी, इन दोनों को इंटरचेंज, कॉस कॉस को इंटरचेंज और इन दोनों को साइन चेंज, माइनस साइन के जगह साइन हो जाएगा और इस साइन के जगह माइनस साइन होगा। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन कॉस माइनस साइन, यहां माइनस है यहां साइन है, ये तो नहीं होगा, ये दोनों तो कभी होगा ही नहीं। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, कॉस साइन माइनस साइन एंड कॉस, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क 1, आप कमेंट करिए तुरंत, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए होमवर्क 1 और आप अपना ऑप्शन लिखिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जल्दी से कमेंट करिए। अब मैं प्रॉपर्टीज जो बताई थी उस पर क्वेश्चन करवाती हूं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी से या 2 प्रॉपर्टी पर हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, और ट्विस्ट करके कैसे एग्जामिनर पूछता है देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब एन तो हो गया 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 5, अब पूछा जा रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जिस प्रॉपर्टी पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखी थी वही प्रॉपर्टी लगाती हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5, एन के जगह 3, 5 का स्क्वायर, करेक्ट आंसर होगा 25, जिसे हम लोग बी ऑप्शन करेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एन की वैल्यू 3 दी हुई है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1,
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके जगह ये मैंने लिख दिया, इसके जगह पर ये, और इन माइनस वन, इन के जगह थ्री माइनस वन, इन दोनों का कंपैरिजन कर दूं, के की वैल्यू थ्री माइनस वन टू आंसर आ गया। देखिएगा लास्ट लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, ओके। चलिए के इक्वल्स इक्वल्स टू टू आ चुका। शिफ्टिंग टू थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ए इक्वल टू दिस वन फाइंड एट जॉइंट ऑफ ए का मॉड। हमें पहले से पता है एट जॉइंट ऑफ ए होता है एन माइनस वन, यहां एन ऑर्डर है टू क्रॉस टू, एन की वैल्यू है टू, एन की वैल्यू है टू, टू माइनस वन आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इवेलुएट कर लेती हूं, थ्री वन टू माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस टू इंटू वन माइनस इलेवन, करेक्ट आंसर हो गया जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर एनी टू क्रॉस टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब एक इसकी प्रॉपर्टी याद दिला देती हूं, इसकी प्रॉपर्टी थी ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, क्योंकि यहां डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं याद है तो आप पेज पलट के देख लीजिए, इसके जस्ट पिछले बोर्ड पर स्टार्टिंग में जो पहला पॉइंट लिखवाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए के बदले में लिख सकती हूं ऐसा, कि इसमें से आठ कॉमन ले लूं, ये आठ बचेगा वन जीरो जीरो वन, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई और ये आई है कैंसल्ड आउट, आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एट। अब एक बात समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप सीख गए, इस पर बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। याद रहे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि बड़े क्वेश्चन में इसका उपयोग आएगा, सिर्फ एडजॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड भी पूछती है, सीबीएसई भी पूछती है, एनडीए भी पूछती है, एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओवर हो चुका। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों से कुछ बात कर लेना चाहती हूं, जैसे अभी तक आप बच्चे क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं रिमाइंड करती हूं। सबसे पहले चैप्टर वन रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन के अलग टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, फोर मार्क्स का। अगर आप में से जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वो बच्चे वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने वो टॉपिक पढ़ाया फंक्शन, फंक्शन पूरा धीरे धीरे चार पांच टॉपिक मैंने करवाया, उसमें ऑब्जेक्टिव या वन मार्क या टू मार्क का पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, और फोर मार्क्स का पूछा जाता है इनवर्स ऑफ फंक्शन से, इनफैक्ट सिक्स मार्क्स का पूछा जाता है रहता है, शो दैट फंक्शन एफ इज इनवर्टिबल
and hence find F inverse. इसके बाद एक और टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया बाइनरी ऑपरेशन. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि सीबीएसई बोर्ड ने 2020 से, यानी इस साल जो एग्जाम हुआ, उससे सिलेबस से कट कर दिया, हटा दिया है. हर बुक में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में भी गिवन है, आरएस अग्रवाल केसेस सिन्हा में भी गिवन है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस से बाइनरी ऑपरेशन को हटा दिया है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया. हाँ, स्टेट बोर्ड में है, इस साल भी पूछा, हर साल पूछता है. उसके लिए हम लोग या तो सेपरेट वीडियो में एक बनाऊंगी, या जब लॉकडाउन ओवर होगा ऑफलाइन कोचिंग में मैं संडे को पढ़ा दूंगी. 2 घंटे का है, पूरा बाइनरी खत्म. 1 क्लास 2 आवर का लूंगी, कंप्लीट बाइनरी ऑपरेशन ओवर हो जाएगा. अब आप बच्चे जो पढ़ भी चुके थे, चैप्टर 1 पूरा रिवाइज कर लीजिए. मुझे लगता है 9 या 10 लेक्चर है. उसके बाद फंक्शंस फॉर जेई के 6 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, जिसमें डोमेन रेंज, पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन मेन तौर पर पढ़ाया. इसके बाद मैंने 5 टेस्ट लिए यूट्यूब पर, आपने उसकी कॉपी भी बना रखी है, आपको उसे रिवाइज करना है. आपने ऐप पर भी 2-3 टेस्ट दिया है, उसका तो आपने कहीं नोट डाउन किया नहीं. तो इतना कर लेने से चैप्टर 1 एक बार और रिवाइज हो जाएगा. क्या क्या करना है एक बार रिमाइंड कर देती हूं. आपका क्लास नोट्स, वीडियो को दोबारा मत देखिए, क्लास नोट्स खोलिए जो आपने सेपरेट कॉपी में बना रखी है. रिलेशन एंड फंक्शन को फिनिश करिए, 5 और टेस्ट के क्वेश्चन को फिनिश करिए. किस तरीके से आपको करना है, थ्योरी आप क्लास नोट्स से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ब्लैक से आप लिखे होंगे, आंसर ब्लू से, उसे कवर कर लीजिए आंसर को. क्वेश्चन को देखकर रफ में उसका सोल्यूशन करिए. अगर दिक्कत होता है तो सोल्यूशन देखिए, अगर देखकर भी नहीं समझते हैं तो वीडियो देखिए. पूरा पढ़ने के बाद टेस्ट दोबारा खुद से दीजिए घर पर, वही 10 क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए, आंसर ढककर ऑप्शन टिक करिए, तब आंसर देखिए सही है आपका या गलत है. इस तरीके से चैप्टर 2 एंड 3 पर बातचीत बाद में करूंगी. मैं इसके होमवर्क की बात कर लेती हूं. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है. एक्चुअली कोई भी टॉपिक एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिक्स करके है, दोनों मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आप बच्चे पर बर्डन कम देना चाहती हूं, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करवाना चाहती हूं, छोटे छोटे टॉपिक कवर अप करना चाहती हूं. इसलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगी, सिर्फ होमवर्क लिखवा के. होमवर्क आपके सामने है, इसमें ऑब्जेक्टिव, ये जो पेज 13 है ना, ये सीबीएसई के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है. देखिए, सिर्फ एडजॉइंट से ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो पेज 17 है, ये स्टेट बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये पेज 29 एनडीए के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, नहीं, जेई मेन के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अगर आप बुकलेट बनाते हैं तो एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं. अगर आपके पास बुकलेट नहीं है तो 2 रास्ता है. पहला, जो आपके लिए अच्छा है, होमवर्क बनाइए ही नहीं. दूसरा, आप चाहें तो शेपिंग फ्यूचर ऐप से बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी बुकलेट शेपिंग फ्यूचर ऐप पर तब तक रहेगी जब तक लेक्चर ये चल रहा है. लेक्चर ओवर, मैं नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही स्विच करूंगी बुकलेट रिमूव कर दूंगी. एनसीईआरटी के पेज 127 के सॉल्व एग्जाम्पल 23 एंड 24, एक्सरसाइज 4.5, 1-4, 17.
आरएस अग्रवाल, अगर आप और होमवर्क करना चाहते हैं, नए वाले आरएस अग्रवाल, रेड कलर के आरएस अग्रवाल से होमवर्क दिया है मैंने, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे ऐप पर आरएस अग्रवाल भी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में, वहां से चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट अलग एक फोल्डर है, वहां से ये डाउनलोड कर लीजिए। पेज 276 पर सॉल्व एग्जांपल 1 और 2 बनाना है, 278 पर सॉल्व एग्जांपल 3 और 4 बनाना है, और पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1 से 11 बनाना है। एक बात सुनिएगा, अगर हमारी आप ये वाली बात मान लिए तो समझ लीजिए कि आप बोर्ड्स में 100 लाने के लिए एक स्टेप बढ़ चुके हैं आगे। याद होगा आपको मैट्रिसेस का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 टिपिकल था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मुझे लगता है अब तक का सबसे लंबा लेक्चर मैं उसी पर दी थी, 1 घंटे 15 मिनट का। तो आप बच्चों को क्या करना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन 2x2 मैट्रिक्स का मैं लिख देती हूं। एक्स्ट्रा होमवर्क आज आपको करना है, सिर्फ 20 मिनट देना है, ईआरटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 से एनी 3 क्वेश्चन ऑफ 2x2 और एनी 2 क्वेश्चन ऑफ 3x3। ये 5 क्वेश्चन आप बनाकर मुझे व्हाट्सएप करिएगा आज ही। ये होमवर्क बनाइए या नहीं बनाइए ये आपका काम है, ये मेरा काम है, क्योंकि ये सिखाना मेरा काम है, ये तो आपको आता ही है। ये बनाइए क्योंकि आपका कर्तव्य है, ये बैक होमवर्क है, एक्स्ट्रा होमवर्क है, पुराने टॉपिक का रिवीजन है, क्योंकि टॉपिक टिपिकल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में हर हाल में पूछा जाएगा 1 क्वेश्चन। अगर छोटा वाला बनाएंगे तो 4 मार्क्स, बड़ा वाला बनाएंगे तो 6 मार्क्स। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करती हूं, कल मिलूंगी सुबह 11 बजे, तब तक मैथ्स पढ़ते रहिए, मैथ्स में डूबे रहिए, मैथ्स के साथ मजे करिए, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़िए, लेकिन मैथ्स पर कम से कम 4 घंटा प्रतिदिन दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए उससे ज्यादा मेहनत करती हूं। थैंक यू।